आलू के खेत में डाई यूज नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, लहसुन वाले सरसों वाले में डाई यूज पड़ती है। लहसुन सरसों, तो पहले लहसुन ज्यादा होता आपके यहाँ पे? लहसुन अब नहीं होता, पहले होता था। अच्छा, कम हो गया है। आलू बढ़ गया, आलू बढ़ गया है। आलू आलू की क्या पोजीशन है आपके क्षेत्र में अभी? आलू तो फिलहाल अभी तो कोल्ड में है। हाँ, अब निकले तो पता चले क्या रहा। निकासी शुरू नहीं हुई अभी? हमारे यहाँ नहीं अभी। मैं अच्छा मैनपुरी के घिजोर में हूँ और यहाँ पे आप देखोगे मूंगफली बुवाई की तैयारी चल रही है और बीज शोधन करने के लिए पहले भैया जरा बीज में दवा वगैरह मिलाएंगे। ये बीज रहेगा और बीज में दवाई मिलाई जाएगी और उससे पहले इधर भैया ने इसमें खेत में डाई फेंक दी है। लहसुन का खेत है, इससे पहले लहसुन था इसमें और इसमें आप देखोगे डाई फेंक दी गई है। कच्चे बीगे हैं, करीब 8 से 10 किलो का बीगा ये डाई फेंकते हैं पहले। इसमें 8-10 किलो का बीगा ही रहती होगी भैया डाई। और ये देखो ये दवाई मिलाई दे रहे हैं बीज शोधन के लिए। इसको मिक्स करके उसके बाद में ये मशीन से इधर बुवाई होगी। तो इसमें दादा क्या हिसाब रहता है, किलो क्या किलो का बीगा डल जाता है? 10 से 12 किलो 13 किलो तो पड़ जाता है। कच्चे बीगे ही है? हाँ, कच्चे बीगा 10-12 किलो का बीगा डल जाता है। डाई पहले शुरू में ही फेंक देते हो? हाँ, डाई मशीन में भी चल जाती है और वैसे ही फेंक देते हैं। अच्छा, मशीन में चलाते हो फिर साथ में? मशीन में चला देते हैं, अन्ना फेंके कोई तो। अब जैसे फेंक दिया अब तो जरूरत है नहीं चलाने की, बस मशीन में साथ में चलाने ज्यादा ज्यादा अच्छी रहती होगी। डाल दो, सब डाल दो, बस साथ में चलाने में ज्यादा अच्छी रहती होगी। उसका एवरेज नहीं होता है, कभी कम जा कम पड़ जाती, ज्यादा ही पड़ जाती है, हाथ से फिक्स पड़ती है। नहीं तो कम से कम ये तो दाने के संग जाती है मशीन से। हाँ, दाने साथ जाती है तो ज्यादा असर दिखाती होगी। असर दिखाती ज्यादा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नमी में ज्यादा हो तो डाई का असर दाने पे आ जाए तो दाना खराब ही हो सकता है। अच्छा, इसीलिए नहीं डालते। अब जी दवाई मिलाई है तो जी करीब कितना बीज है, कितनी दवाई है इस बीज में? 30 किलो बीज है और लगभग 50 ग्राम दवाई है। 50 ग्राम दवाई है। ये कौन सी दवाई रहती है? ये कारफ्यूरान है, फफूंदी के लिए। फफूंदी के लिए, फफूंदी वगैरह बीज में नहीं बनेगी इससे। करीब कितने दिन में निकल जाएगा ये बीज मशीन की बुवाई का? 10 दिन में निकल जाएगा। 10 दिन में? अच्छा, हाथ से जैसे सामने जी हाथ से है खेत में, हाथ से ही फेंकी गई है ये तो? नहीं, मशीन से है। मशीन से है जी, देखो नहीं रही ये मशीन जैसी एकदम? मशीन से ही है। अच्छा, तो अगर हाथ से भी फेंकते होंगे लोग? गाड़ी जाती है, गेहूँ फेंकते फेंक नहीं जाती है। लहसुन गाड़ा जाता है उसी तरह गाड़ी जाती है। अच्छा, तो अब हाथ से तो गाड़ने वाले बहुत कम रह गए होंगे। सब कोई नहीं गाड़ता, सब मशीन से बुवाई कराते होंगे। अच्छा, जैसे इधर तो ये निकले आई ये कितने दिन की हो गई होगी? करीब होगी लगभग 20 दिन की। 20 दिन की हो गई तो जी, अब लेट नहीं है आपकी मूंगफली आप बुवाई कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बारिश आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दूर कोई फसल होगी नहीं। तो जब मौसम साफ मिलेगा तो खोज लेंगे। और जो खेत खाली पड़ा रहेगा उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो देखे जाए। फसल होती तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता। अच्छा, तो इसके बाद तो फिर बाजरा कर देते हो क्या मूंगफली के बाद में? बाजरा नहीं, खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ देते मूंगफली खोदने के बाद में? आलू होता है फिर सीधा आलू। और जैसे लहसुन का ये खेत था तो लहसुन वहसुन करना हो तो? वो लहसुन पड़ा रहता है, लहसुन हो जाता है, उसके बाद आलू होता है, लहसुन हो जाता है उसमें, खाली पड़ा रहता है जो। अच्छा, लहसुन की बुवाई कब करवाते हो? लहसुन बुवाई होती है अक्टूबर में। अक्टूबर में आलू के संग संग ही मान लो? आलू से पहले हो जाती थोड़ी। अब देखोगे मशीन में बीज डाल रहे हैं भैया। तो अच्छा, ये खाने खाने भरने पड़ते हैं इसके? ये खाने लाल लाल से। अच्छा, ये सामने वाला ये डाई के लिए रहता है? हाँ, ये डाई के लिए। और इसमें ये बार बार आपको सारे के सारे खाना खाने भरने पड़ते हैं। तो बीच में खाली जाता हूँ फिर रोक के मशीन भरनी पड़ती होगी? चलते टाइम पे डल जाते हैं सीधे सीधे? नीचे वाला भी नहीं भर सकते क्या? नीचे वाला भी ये नीचे वाला है, धीरे धीरे चलती है इसमें। ऊपर वाले से धीरे धीरे चलती रहेगी, नीचे वाले में एक बार में कितना दाना आ जाता है मशीन में? 25 किलो आ जाता है। मतलब 2-2.5 बीघे के लिए एक बार में? देखोगे आप दोनों तरफ है, बीज के लिए भी है और इधर ये डाई के लिए है, खाद के लिए। चाहो तो आप
और डाई साथ में चला सकते हो। डाई के अलावा भी और कुछ डालने की होता है, पोटास वोटास या और कुछ चीजें डालते हो? और नहीं, किसान जो जहाँ डालना चाहे डाल ले, कोई दिक्कत नहीं, उससे पोटास डाल ले और बहुत ढेर सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ तो कुछ डालता नहीं है। अच्छा, डाई डाल देते हैं तो डाई भी सब डालते हैं, कुछ लोग ही डाल देते हैं डाई? कुछ लोग डालते हैं। अच्छा, सब लोग नहीं? आलू खेत में डाई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, लहसुन वाले सरसों वाले में डाई जरूरत पड़ती है। लहसुन और सरसों में वही 10-12 किलो की भी है। आलू आलू की क्या पोजीशन है आपके क्षेत्र में अभी? आलू तो फिलहाल अभी तो कोल्ड में है। हाँ, अब निकले तो पता चले कभी क्या रहा। निकासी शुरू नहीं हुई अभी? हमारे यहाँ नहीं है अभी। अच्छा, तो पहले लहसुन ज्यादा होता आपके यहाँ पे? लहसुन अब नहीं होता, पहले होता था। अच्छा, कम हो गया है। आलू बढ़ गया, आलू बढ़ गया। लहसुन कुछ मिल नहीं रहा, क्या बात है? कैसे लोगों ने तो लहसुन तो लहसुन यहाँ बढ़िया नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता, पैदावार नहीं निकलती है। अच्छा, जमीन वमीन छोड़ गई लहसुन को, क्या बात है? जमीन छोड़ गई। लहसुन का वाफा होता वैसे बढ़िया है, दो तीन चार साल बढ़िया रहा है। अच्छा, इस साल क्या है अभी? इस साल होगा लगभग 7-8 हजार रूपए क्विंटल का। क्विंटल? अच्छा, जैसे ये कच्चे बीगे हैं तो आपके यहाँ क्या रेशियो निकल जाता है लहसुन, क्या बीगे का निकल जाता है लहसुन? वही तो वही दरी नहीं दे रहा, वही निकलता है 3-4 क्विंटल इससे ज्यादा नहीं। पहले कितना निकल जाता था? पहले 8-8 क्विंटल तक निकलता था। अच्छा, अरे लागत करीब कितनी आ जाती है लहसुन पे बीगे भर की? लागत तो जो भी जितना लगा ले, लागत का कोई, फिर भी कम से कम कितनी मान के चलते हैं? कभी कम से कम इतनी तो आनी आनी है। अभी ऐसे मान लीजिए बीज छोड़ दिए लहसुन का, वो तो किसी रेट हो सकता है। हाँ, उसके बाद तो क्या है, डीएपी प्रति बोरी बीघा और जिंक में डाल देते लोग, और क्या है निराई गुड़ाई भराई, और इसके अलावा 5-6 हजार बीज छोड़ के। और बीज जैसे अगर बात करें तो बीज अंदाजन कम से कम जैसे अभी मान लो 7-8 हजार का है, 10 हजार रुपए कितना बीज डल जाता है? 50-60 किलो 60 किलो है तो खाद फाद सब मिला मिलू के 10-12 हजार रुपए की लागत आ जाती है लहसुन की। जब तक कम्प्लीट होता तब तक। पानी पानी कितने लग जाते? 4-5 लग जाते होंगे पानी? लग जाते 6-7। 6-7? ये मशीन में बीज डाल के तैयार कर दिया है जी। और आप देखोगे ये क्या रहता है, सिस्टम रहता है बीज को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए। इसको आप नीचे दबा दोगे तो बीज बंद हो जाएगा, ऊपर खींच लोगे तो ये आप नीचे देखोगे यहाँ पर ये होल है, इस छेद से लगातार बीज आता रहेगा। और यहाँ ये जो गिरारी बनी हुई है आप ये देखोगे नीचे गिरारी बनी हुई है, इसमें गिरारी की सहायता से वो लगातार बीज ये पाइप के माध्यम से पीछे जाता रहता है। और दूसरा पाइप जो है आप देखोगे खाद का लगा हुआ है, तो खाद तो भैया ने पहले ही फेंक दिया, तो खाद तो अभी नहीं चलेगी, केवल बीज चलेगा। तो अभी मशीन चलेगी, मैं दिखाऊंगा किस तरह से बुवाई रहेगी। ये भैया चल रहा है और आप गाँव पीछे को स्तर में दिखा दी, तो ये लगातार यहाँ से बीज जो है आप देखोगे मूँगफली गिरती जा रही है हर एक, और इधर ये भी देखोगे, और सामने से मैं दिखा देता हूँ ट्री में लगातार देखना पड़ता है कहीं बीज चल रहा है बंद तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें लगातार देखनी पड़ती है। ये आप देखोगे यहाँ से ये सीधा ये दाने हैं जो ब्रश लगा है, ब्रश से अंदर की तरफ जा रहे हैं दाने और गिरते चल रहे हैं लगातार, तभी में इसी तरह का ये व्यवस्था है सिस्टम है। तो प्लेट लगी हुई है, प्लेट में कट बने हुए हैं जिनमें दाने फंस जाते हैं, और जो ब्रश की सहायता ब्रश है उसकी सहायता से सारे दाने नीचे निकलते रहते हैं। तो दोनों लोगों को मतलब एक दो लोग को लगातार खड़ा होना पड़ता है मशीन पे, एक लोग को खड़ा होना पड़ता है।
तो आप लोग देखोगे ये बुवाई चल रही है मूंगफली की। और इस तरफ ये देखोगे आप लोग, ये जो है बुवाई ओके तैयार भी हो चुकी है ये मूंगफली।